सो दिस इज इट गाइज, अब हम एलियन वर्सेस प्रेडेटर के बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुके हैं, यानी कि अब जो है हम एक ही पार्ट बचा है यानी कि एलियन वाला पार्ट रिव्यू करने का, और एलियन वाला पार्ट हमें रिव्यू करना ही होगा क्योंकि हमने दो पार्ट के रिव्यू करे, तो एलियन वाले को भी आपको बताना होगा कि वो कैसा है, किस तरीके का उसमें रिस्पॉन्स है, क्या वो करता है, किस तरीके की उसमें स्टोरी लाइन है। सो दिस इज द इट। हेलो मेरी जान, दिस इज मैक्स क्योस, यानी कि आप सब मेरी जान बनशान, तो मैं आ गया एक बार फिर से आप सभी के आगे, इस रिज्यूम करेंगे गेम को आप सभी के सामने, और यहाँ पर मैं इस टाइम में एलियन बनाऊँ। सो यहाँ पर मैं जो एलियन बनाऊँ, मेरा सिटिंग पोस्चर आप देख सकते हो, काफ़ी चार पैरों पर चल रहा हूँ, चार पैरों, ठीक है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि साउंड इफेक्ट्स उसी टाइप के आ रहे हैं मेरे पास, बट यहाँ पर हमें मैप नहीं मिलता, हमें कोई अमो का ऑप्शन नहीं मिलता, हमें कुछ और नहीं दिखता, सिर्फ हमारे पास दो आंखें जो अजीब से ढंग में ऑब्जेक्टिव देखती हैं, जो कि ये नीचे वाला गोला दिखा रहा है, ये कोई ऑब्जेक्टिव है। सो दैट्स इट, इतना सा ही पार्ट होता है। मज़ेदार बात यह है कि इसमें अपन लोग उल्टा चल सकते हैं दीवार के ऊपर भी। सो इसके अंदर जाने के लिए स्पेस बार दबाना पड़ता है वेंट के अंदर जाने के लिए। यहाँ पर भी है एक वेंट, तो ये आई थॉट बंद है, यप ये बंद है, क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे अलग अलग जगहें होती है गेम्स में जाने के लिए, ये वाला वेंट व्हाट द फक। ठीक है okay, तो यहां से तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा जाने के लिए। ओके स्पेस बार टू एंटर, यहां पर स्पेस बार हम वेंट के लिए यूज करेंगे एंटर करने के लिए। सो यहां पर हम वेंट के अंदर एंटर कर चुके हैं, यहां से हमें ऑब्जेक्टिव दिख रहा है। सो ठीक है, यहां पर हम दीवार के ऊपर भी चल सकते हैं, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा देख के। सो या दिस इज द थिंग, कर दिया अपन ने खराब, अनदर पावर आउट गेज, ये जो भी है जाना था। ओह शिट, ओके तो मेरे को तो पीटा जा रहा बहुत गंदे तरीके से। हाँ ये इसमें थोड़ा अजीब सा है कि एलियन इंसान से एकदम लड़ नहीं पाता, क्योंकि कंट्रोल्स बहुत अलग हैं एलियन के, अलग हैं, और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं ऐसे एलियन बन के अपने आप को। बार बार दीवारों पर चढ़ जाता है, ठीक है भरम तोड़ दिया हमने उसको। तो यहाँ से और कुछ तो नहीं है ऐसा, मतलब पता गेम बहुत ही सही है ये, मतलब ना आपको एक ये पर्सनल एक्सपीरियंस करने को मिलता है कि विलन क्या करता है गेम के अंदर, एक हीरो क्या करता है, एक साइड हीरो क्या, मतलब इसमें जो तीन पार्ट्स हैं जिसमें से आई थॉट दो तो हीरो ही हैं, प्रेडेटर और ये रेवेंट, प्रेडेटर और क्या कहते हैं इंसान, स्पेस टू एंटर द वेंट। ओके यहाँ से तो बंद है, तो मैं कह रहा था कि बहुत ही सही एक्सपीरियंस मिलता है ये करके कि मतलब आपको विलन का ही पता चलता है कि विलन क्या काम करता है। ओके यहाँ पर बंदे हैं, ठीक है खा गया हूँ ढंग से, तो काफी अलग किस्म का इसका देखने का तरीका है। लाइक अगर हम दूर से चीजों को देखते हैं एलियन तो सही देखता है, बट अगर हम पास जाके देखते हैं तो काफी अलग किस्म का कलर कॉम्बिनेशन होता है। इस ये बंदा सर खाने की फिराक में, तो या शिट, के तो वेंट में छुपने के लिए है ये, मैं बाहर भी निकल सकता। वाओ दैट्स अ गुड थिंग, सो गेम बहुत ही सही है,
प्रेडेटर मोड मुझे इसका बहुत ही अच्छा लगता है, लाइक इट इज़ द माई फेवरेट मोड, पता नहीं क्यों, बस बिकॉज उसमें इक्वल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उस मोड में, कि ये क्या चीज़ है भाई, ठीक है आई डोंट नो क्या था फक, ठीक है यहाँ पर नहीं जा सकते, यहाँ से मिले तो हमें सीधी इसी से ही जाना होगा, फटाफट 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 कि तो भैया यहाँ तो आगे तो बड़ी ही खतरनाक किस्म की चीजें हैं, इसकी लाइट जो है डिम होती जा रही है, आई थॉट यहां से टूटा हुआ है, यहां से शायद इसकी निकल रही है, गेम तो बहुत ही ज्यादा सही है, ठीक है अब मैं आ गया हूं नीचे की साइड पर, तो या दिस इज अ गुड गेम, बहुत अच्छी गेम है, गेम में कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, और मैं अभी भी ओह बहुत ही गंदे तरीके से मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं, शर्म नहीं आ रही होगी बिल्कुल भी, मासूम से एलियन की जान के पीछे पड़े हुए हो तुम लोग, जरा सा भी शर्म का तुम्हें लिहाजा नहीं होगा, शीश। सो एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं इस गेम के साथ जो मैंने एक्सपीरियंस करा, लाइक एलियन मोड थोड़ा सा अबिट कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि एलियन जाते जाते कहीं भी चढ़ सकता है, लाइक वो दीवार पर चढ़ सकता है, वो ऊपर तक जा सकता है, ये आपके पास एक एबिलिटी है, बट इसका एक डिसएडवांटेज है, जब आपके ऊपर क्रॉस फायर हो रहा होगा या पूरा का पूरा ट्रुप आप पे हमला कर रहा होगा, आपको डॉच करने में बड़ी दिक्कत हो सकती है। हाँ मे भी कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि यार डॉच करना तो काफ़ी सही हो जाएगा जब हम दीवार पर चढ़ सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता, आप माउस घुमाते हो और आपको कई बार ऊपर नीचे हो जाता है माउस, वो हमारी गलती से होता है, वो गेम की गलती ना हमारी गलती से हो जाता है, क्योंकि हम, और मैंने जैसा पहले बोला था गेम थोड़ी प्रेशराइज्ड है उसमें भी, और थोड़ा सा वैसे ये गेम पूरी की पूरी प्रेशराइज्ड है, बट इन ह्यूमन मोड ये थोड़ी ज़्यादा है, इसमें मुझे ऐसा नहीं लगा, बट या चाहते थे तो कुछ और कर सकते थे, बट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी हो जाती है जब हम, ओह ये देखा देखा ये अपने आप ही, तो यप ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा गंदा सा भी है, यार सही है ठीक है अपना अपना जो है सबका, अपना अपना शौक है भाई, हम कुछ कह नहीं सकते, बट स्टिल जैसा कि मैंने पहले कहा गेम लो एंड पीसी के लिए तो बहुत ही ज्यादा सही है ये, वैसी कोई बात नहीं है, बट आंख दिखाता है सो काफी सही है यार, मतलब एलियन मोड में मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि मेरे पास ज्यादा पावर है, बट या स्टील वी हैव अ गुड थिंग्स, बनाने में बहुत मेहनत लगती है गेम को, हम ऐसे ही उस पर कोई कमेंट्स नहीं कर सकते हैं, यार ये मुझे ना ऊपर चढ़ने वाला थोड़ा अजीब सा लगा, अब मे भी शायद मुझे इसकी आदत नहीं है, या मे भी समथिंग एल्स, जो भी था मुझे नहीं पता, मैंने कर दिया बस, आगे चलते कोई है, मुझे इंसानों की बू आ रही है, और ये एक लड़की है,
I don't know कहाँ जाना है. एक इस एलियन मोड में मैप भी नहीं है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी बैड थिंग. क्या एकदम पास से हमला करना भी पड़ रहा है मेरे को. ओके सो ये बंद है. वो ऊपर है. वाओ गेम बहुत ही सही है. मतलब आवाज कदमों की हमें साफ सुनाई दे सकती है एलियन मोड में अपने कदमों की. ओके तो ऊपर से गेट द गैरेज. सो यहां पर ये गोला दिखा रहा है ये. ओके दिस इज द गोस्ट. यहां से भी शायद मे भी हम नहीं जा सकते. ओके तो वहां से एक वेंट था नीचे की साइड में बताए ये रहा. ये गैरेज का वही सीन है जब हम ह्यूमन मोड में गैरेज जाते हैं. गैरेज ओके तो ये सिस्टम ह्यूमन में भी था ये सिस्टम इसमें भी है. खुद ही मर गया ये तो. मेरे को तो जरूरत भी नहीं पड़ी. तो ये गैरेज वही है जहां से हमारी एंट्री होती है जब हम ह्यूमन मोड में गैरेज में जाते हैं. और अब शायद हम अपन लोग बाहर निकलेंगे. साउंड काफी अच्छा है. गाना एकदम ऐसा चल रहा है कि मैं ही हूँ हीरो मैं ही हूँ विलन सब कुछ मेरे हाथों में है. So, कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि कहां से जाना है. गाना काफी सही है एज पर द सिचुएशंस पर कानों में बहुत ज्यादा चुभ रहा है. जैसा कि मैंने कहा था इस गेम के साउंड्स जो हैं काफी सही है बट कानों में बहुत ज्यादा चुभते हैं मेरे को भी. ये मार्क तो यही दिखा रहा है. गाना तो ऐसा बज रहा है जैसे मेरे आसपास में कोई है बट जाना किधर से ये अपन लोग को बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है. गेम स्टिल अगर इसमें एक मैप दे दिया होता तो शायद मे भी ये थोड़ा अच्छा हो सकता था बट अपन लोग को रास्ता दिख गया है. अब एलियन तो है ही शायद यहीं से जाने का. ओके ये क्या कह रहा भाई. हेलमेट भाई मेरे को लगा कोई है बट वो मेरी पूछ थी. या तो ये रास्ता होगा. यही चीज सबसे गंदी लगती है. कंफ्यूजिंग मैटर. गेम को अपने हिसाब में थोड़ा सा बदलना पड़ता है. चेक पॉइंट ऊपर है चेक पॉइंट. ओके ओहो तो एक दो तीन स्टिल
एलियन है। काफी कंफ्यूजिंग सा है। ओ हो, काफी कंफ्यूजिंग तो है यार ये गेम, सच बता रहा हूँ। स्टिल इट्स अ कंफ्यूजिंग इन एलियन मोड। थोड़ा सा ये ऊपर नीचे जो ये कर देता है ना, ये ओ भाई, ये बंदूक तो बड़ी खतरनाक है यार। जहां स्कैन कर रही है वहीं धक्के। ये इतना कंफ्यूजिंग है ना इसका सिस्टम। ये तो मर गई। ओके, यहाँ पर छुपके हुए हैं हम, ठीक है। ओ हो, इतना कंफ्यूजिंग तो मैंने कोई गेम नहीं देखी जितनी कंफ्यूजिंग ये मुझे लग रही है। बहुत कंफ्यूजिंग है गाइस, बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपना एरियन नीचे रखें, कि दीवार पर ना चला तो गेम स्टिल थोड़ी सी सही लगने लगती है, बट वेरी कंफ्यूजिंग इन एलियन मोड। एलियन मोड इसका सच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत हद से ज़्यादा। मतलब एलियन ऊपर नीचे ऐसा कर देता है ना कि कंफ्यूज हो जाते हैं यार, ये बंदे को मेरा मारने का मन तो नहीं है। ओ गेट टू द रिफाइनरी। ओके गेट टू द रिफाइनरी। नया 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 ऑब्जेक्टिव। टक 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 स्टोरी लाइन नहीं है शायद, कंटिन्यू है एलियन। एलियन पे कंटिन्यू करना है, बाकी तो हमने खैर करते ही रहते। सो मैं बता दूं, मैंने जो प्रेडर वाला मोड खेला था, या इट्स स्टिल बेटर, वो बहुत ही ज्यादा सही मुझे इन दो मोड से लगा। एलियन मोड में कंफ्यूजन है गाइस बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लड़ते लड़ते स्टैटिक हमारी होती है कि हम इधर उधर करके कर लेंगे, बट किसी किसी को लग रहा होगा यार ये बंदा गलत कह रहा है कि इधर उधर डॉच करने से, दीवारों पर चढ़ने से कर सकते हैं। नहीं गाइस, ये कोई वो नहीं है, ये कंप्यूटर के बॉट्स हैं। इट्स अ हाईली बॉट्स, ये आपको जहां देखेंगे ये वहीं अटैक करेंगे। ये कोई रैंडम मेरे साथ कोई दूसरा प्लेयर नहीं खेल रहा है सामने से। लाइक हमने जो मोस्टली जो गेमर्स होते हैं जो पबजी खेलते हैं, वो यही कहते हैं कि सामने वाले बंदे को हम डॉच कर देंगे, तो वो सामने वाला एक रियल पर्सन होता है, उसका दिमाग इतनी तेज नहीं चलता कि वो हम पे पूरा अटैक कर दे। बट इट्स अ कंप्यूटर, उसको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमने कहाँ जाना है, वो कैलकुलेट कर लेता, तो वो हमें बहुत जल्दी कर सकता है। और इसमें जो है बेसिकली मैंने ये कहा था ह्यूमन वाले मोड में कि एलियन ज्यादा पावरफुल है इन ह्यूमन, जो कि मुझे अभी भी लग रहा है, क्योंकि मैंने काफी सारी बंदूकें झेल ली एंड स्टिल मैंने कोई मेडिक नहीं करा अभी तक। बट स्टिल यार बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है गेम, पता ही नहीं चलता कहाँ से जाना और कहाँ से नहीं जाना, क्योंकि सिर्फ इस वजह से ये अपने आप को डॉच करने के लिए दीवारों पर चढ़ जाता है। दीवारों पर चढ़ते रहते हमारा माउस कर्सर इधर उधर हो जाता है, बस हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार हमें हाथ धोना पड़ता है लेवल से, क्योंकि स्टिल काफी बार हमारे साथ होता रहता है। बट ये मोड में अगर मैं कोई अच्छी बात करूं तो, या वीडियो चल गई, पहले वीडियो के बाद बात करेंगे आराम से, वीडियो का मसला तो। ओहो ये हूं मैं, shit
लग रहा है इनका भी टाइम आ गया है। यार मेरा मारने का मन नहीं है इनका, मुझे इनको मार। तो यार खत्म तो करना ही पड़ेगा लग रहा है। कोई नहीं की ओए क्या छोड़ दिया ये भाई, ये तो बड़ा खतरनाक। प्रेडेटर वाले मोड में भी वो उसकी मुंडियां निकाल देता है जिस मर्जी की भी। अच्छी क्या उनके मुंह के अंदर घुस जाएंगे क्या। सो गाइस स्टिल अब इतना मैंने बता दिया, इट्स टाइम टू रिव्यू द गेम। काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, सो रिव्यू कर देते हैं इस चीज का कि ये गेम कैसी लगी, क्या होना चाहिए था। ओके सो गेम बहुत ही ज्यादा सही है, पूरे के पूरे पार्ट्स बहुत ज्यादा सही हैं। अब मैंने आपको सारी स्पेसिफिकेशन बता दी, अगर आपको चेक करना हो तो आप मेरी पहले की सारी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने ह्यूमन मोड खेल रखा है, जिसमें मैंने पेट मोड खेल रखा है, एंड स्टिल दिस इज द मोड ऑल्सो। सो ये जो मोड था पर्टिकुलरली एलियन वाला, ये काफ़ी सही मोड है, बहुत ही अच्छा मोड है। जैसा मैंने पहले अपनी ह्यूमन वाली वीडियो में, एलियन बहुत पावरफुल है इन प्रेडेटर के साथ, प्रेडेटर और उसके एकदम कंबाइन है, उन दोनों की पावर एकदम सेम है, ठीक ठाक है, अपना दोनों सही लड़ लेते हैं। बट इसमें एलियन की पावर मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी जब वो ह्यूमन से फाइट कर रहा है, या फिर जब मैं ह्यूमन मोड से एलियन से फाइट कर रहा था तब। तो बहुत ही सही मोड है, बट जो ये मोड जहाँ मार खाता है, हमेशा जैसे होता है यार कुछ एडवांटेज होते तो डिसएडवांटेज ज़रूर होते हैं, ऐसा कोई परफेक्ट नहीं होता। ये डिसएडवांटेज है कि इसी मोड में एक कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम दीवारों पर भी चढ़ सकते हैं और हम लड़ते लड़ते कहीं पे भी चढ़ जाते हैं, इन सेंस हम कहीं पे भी चढ़ सकते हैं, छत के ऊपर, दीवार के ऊपर, कहीं भी, कहीं जहाँ तुम्हारा मन है तुम वहाँ चढ़ो, बट ये बंदा भी चढ़ जाता है कहीं भी लड़ने के बीच में। सो वो थोड़ा बेकार था, लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लड़ते लड़ते कहीं पे भी यार ऐसा चले जाएं, तो ये थोड़ा मैटर नहीं लगता, क्योंकि यार चलते चलते थोड़ा इधर उधर डॉच करना, काफ़ी लोगों को लग रहा है मैं सही कह रहा हूँ, जैसे मैं पहले बोल रही, काफ़ी लोगों को लग रहा हूँ मैं सही बोल रहा हूँ कि मतलब गलत बोल रहा हूँ, सॉरी, काफ़ी लोगों को लग रहा हूँ मैं गलत बोल रहा हूँ कि यार हमें बंदूक के डॉच करना होता है, बट नहीं यार, बॉट्स हैं ये, कंप्यूटर के बॉट्स हैं, इन्हें ऐसा बनाया गया होता है कि जहाँ बंदा दिखे वहाँ शूट करो, और एकदम एक्यूरेट इनके शार्प शूट्स होते हैं, क्योंकि ये बॉट होते हैं, ये रेंडमाइज नहीं होते, कई बार रेंडमाइज हो सकते हैं, कई बार नहीं होते। सो यहाँ तक मुझे लगा रेंडमाइज नहीं थे, बट स्टिल एलियन मोड आप खेलो, सही करो। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इन तीनों के कंपैरिजन में होगी कि तीनों में से सबसे बेस्ट मोड कौन सा है, आप किसको ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो, किसको खेल सकते हो, किसकी क्या खूबियाँ हैं, किसकी, वो थोड़ी छोटी वीडियो होगी या लंबी, आई डोंट नो, बट नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर होगी। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, आई होप आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी, और डाउनलोड करो गेम को, खेलो, और घर से बाहर मत निकलो दोस्त, कोरोना चल रहा है, COVID-19 इट्स कॉलिंग टाइम बेबी। सो घर में रहो, मौज लो, रोज लो, जैसा मैं कहता हूँ। सो अब यहीं पे हमने वीडियो को एंड कर दिया, तो साथ में बोलेंगे मौज लेंगे, रोज लेंगे, और नहीं मिलेगा तो इस मैक्स के उससे पूछेंगे, समझे बैठे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और बस प्यार देते रहो। I'm gonna go get the blood, okay?